जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। 2025 लोग याद करेंगे 2020 के कंपैरिजन में ज़्यादा, क्योंकि 2020 का साल लोग तब तक नहीं भूल सकते जब तक उनकी सांसें चल रही हैं। ऐसा साल जो था कल्पना से परे, लेकिन आने वाला साल जो होगा दूर दूर तक लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि कैसा होगा वो साल। अगर 2020 से कंपैरिजन करें 2025 की, तो ज़्यादा विध्वंसक, ज़्यादा चेतावनीपूर्ण और ज़्यादा लोगों में चेंजेस लाने वाला होगा साबित। एक ऐसा साल जो सेल्फ करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एवं सेपरेशन और कल्कि अवतार का फाइनल मिशन, जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा उसी साल। सेपरेशन की जो जर्नी है, कल्कि अवतार अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो फुल एंड फुल एक्शन में रहेगा एवं वहीं से लोगों की राहें अलग हो जाएंगी। जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं वो चलना स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और नास्तिक भी बनने को मजबूर हो जाएंगे आस्तिक। क्योंकि जब बातें आती हैं अपनी सांसों के ऊपर और सांस रुकने लगती है, तब अच्छे अच्छों की हवा हो जाती है गुल। क्योंकि जब सामने खड़ी होगी मौत, तब इंसान को ना कोई पार्टी दिखेगी और ना ही कोई रिश्तेदार, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जान को बचाना ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का उसका केस बन जाएगा। तो आने वाला समय 2025 उनके लिए बेहतर साबित होगा जो समय की सही तरीके से पहचान करके, जो समय हमें सिखलाना चाह रहा है उसको समझकर अपने आप के अंदर, अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक कर यदि करेक्शन करना स्टार्ट कर दें, यानी जो अपनी गलतियों को आज तक पर्दे के पीछे छिपाते आए हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने अंदर चेंजेस करना है, वरना फिर आइदर डू और डाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा साल होगा जिसमें भगवान शनि, गुरुदेव, राहुदेव, मंगलदेव, इन सभी का असर देखने को मिलेगा। और जब जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं उन सब का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। केवल हमारे देश पर पड़ेगा ऐसा नहीं, केवल अमेरिका, चाइना, इज़राइल और ईरान, इन पर पड़ेगा ऐसा भी नहीं। तो महाभारत जो अब तक नहीं हुआ है उसका सेकेंड पार्ट, जिसके लिए ऑलरेडी तैयारी पूरी तरह से तैयार है, हर चीज़ तैयार है, उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस प्रकार से उन्हें रोल दिया जाएगा, ये सारी बातें ऑलरेडी तैयार हैं। केवल सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है चीज़ें जैसी रुकी हुई हैं सही समय के लिए। हमारे ही देश को एक ऐसा शांतिप्रिय वातावरण जो एटलीस्ट प्रेजेंट मोमेंट में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो इज़राइल और ईरान की कंडीशन है, जो रशिया और यूक्रेन की कंडीशन है, या साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो एक दूसरे के बिल्कुल खून के प्यासे हो रहे हैं। रिसेंटली ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है साउथ कोरिया को, जो आने वाले समय में सही साबित हो जाए तो फिर पूरी दुनिया तबाही की ओर बढ़ना तय है। तो महाविनाश के इस समय में एक और कदम महातबाही की ओर 2025 लेकर आने वाला है, बस कुछ समय और। लेकिन उसके पहले यदि इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया है जो प्रेजेंट मोमेंट में समय चल रहा है, तो वो इंसान तो बच जाएगा आने वाली महातबाही में, अपने आप को बचाने के लिए वो सक्षम रहेगा। लेकिन जिसने नहीं लिया खुद के अंदर करेक्शन, जो तैयार नहीं बैठा है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, जो अपने गलतियों को नहीं देखना चाहता है, फिर उनके लिए
2025 का समय एक ऐसा समय रहेगा जो डंडे मार मार के लेसन सिखलाने के लिए जाना जाएगा। या तो लेसन सीख लो, नहीं तो फिर गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि 2025 सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला नहीं रहेगा बल्कि बीमारियां भी अटैक करेंगी इंसानों के ऊपर। तो एक तरफ 5 एलिमेंट्स का अटैक जो होने वाला है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो आकाशीय बिजली का गिरना हो, चाहे वो साइक्लोन का आना हो, यानी हर तरफ से जो तबाही आनी है वो पूरी तरह से तैयार होकर बैठी हुई है, वेट कर रही है 29 मार्च 2025 के पश्चात जो समय परिवर्तन होगा। तो युग परिवर्तन की आंधी में शामिल 2025 का साल एक महातबाही को निमंत्रण देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। लेकिन अब का जो समय है, अब भी जो लोग नहीं जगे हैं, अब भी जो लोग सो रहे हैं, फिर उनका सोते हुए ही टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा। इसलिए जो वार्निंग्स दी जा रही हैं, जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं, चार धाम की यात्रा से हो या चार धाम से जो होने वाली चार धामों में घटनाएं हो उनके द्वारा, या मंदिरों में जो आग लगने की घटना हो उनके द्वारा, या मूर्तियों को तोड़े जाने का प्रहार जो मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है उसके से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये ऐसे साधारण इंडिकेशंस नहीं हैं जो इंसानों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति में भी जब कोई घटना होती है तो ऑलरेडी पहले इंडिकेशंस दिए जाते हैं, सावधान करती है प्रकृति हमें। लेकिन अगर इंसान आंखें मूंद कर बैठा रहता है तो फिर कुछ भी नहीं होता है। कानून में बदलाव, बहुत समय से हर कोई चाहता है कि कानून में बदलाव हो, क्योंकि आज के समय में डर किसी के मन में नहीं है और इसलिए क्राइम का रेट जो है वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस क्राइम को यदि ख़त्म करना है तो सिर्फ बोलने मात्र से और जागो हिंदू जागो ये बोलने से, सिर्फ वाणी के माध्यम से काम नहीं होगा, एक्शन में आना पड़ेगा। और एक्शन यानी कानून में बदलाव, जो घिसे पिटे कानून हैं सदियों वाले उनमें बदलाव जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारी दुनिया क्राइम से मुक्त नहीं होगी। और जब तक क्राइम से मुक्त नहीं होगी तब तक परिवर्तन कैसे संभव है, जिस परिवर्तन को करने के लिए भगवान कल्कि ने धरा पर जन्म लेने का जो उनका कार्य था वो कर लिया है। अब भी लोग ढूंढे जा रहे हैं भगवान कल्कि को, तो ढूंढना उन्हें बंद कीजिए, क्योंकि वो हमें नहीं ढूंढ रहे हैं तो हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब उनसे मुलाकात करनी होगी वो समय आएगा, हम उनसे मिल भी लेंगे। लेकिन वो कर रहे हैं काम, तो उनके मिशन को और अधिक अच्छी तरह से उनका मिशन आगे की ओर बढ़े तो हमें भी अपना सहयोग देना है। और हर इंसान के ऊपर, हर एक जीव के ऊपर आज के डेट में खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को भांपते हुए, क्योंकि ये जो समय ऐसा चल रहा है, अनप्रेडिक्टेबल टाइम चल रहा है, कब कहाँ किस मोड़ पर किस प्रकार का नया खतरा आ जाए, क्योंकि न्यू जो खतरे हैं वो नए रूप में आ रहे हैं, कहीं पर स्कैम के रूप में आ रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं पर नेचुरल डिज़ास्टर और कहीं पर हो रहा है मैनमेड डिज़ास्टर। तो ये दोनों ही डिज़ास्टर इंसान के खात्मे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो खात्मा यदि नहीं चाहिए तो हमें अपने आप के अंदर बदलाव लाना है। लेकिन ये बदलाव लाए कौन? हर कोई दूसरों को कह रहा है, खुद के अंदर नहीं कर रहा है। लेकिन यही काम करेंगे गुरुदेव बृहस्पति, जो 2025 से लेकर 2033 तक जब अतिचारी होंगे तो वो सेल्फ करेक्शन एक देने की वार्निंग देंगे। जिन्होंने सेल्फ करेक्शन कर लिया बच जाएंगे, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुआ, सेल्फ करेक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर मंगल का दंगल, राहु देव की भ्रम वाली स्थिति में इंसान आ जाएगा, सुख और दुख, पाप और पुण्य, विश्वास और अविश्वास, इसी भ्रम जाल में उलझा रहेगा। और कब उसे टाटा बाय कहने का समय आ जाए ये भी उसे नहीं पता चलेगा। तो आने वाला समय बेहद संवेदनशील, लेकिन उसके पहले जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं, एंड ऑफ कलयुग अभी बहुत दूर है, महाविनाश की महालीला जो कल्कि भगवान की चल रही है उसमें, उसको समझते हुए
अपने अंदर। दुनिया को बदलेंगे हम तब जबकि इंसान खुद में बदलाव लाएगा, और ये कोई नहीं कर रहा है। तो शुरुआत खुद से करनी चाहिए, तभी वो इंसान पड़ोस बदलेगा, पड़ोस यदि बदला तो फिर समाज बदलेगा, और समाज यदि बदला तो दुनिया में बदलाव आएंगे, और दुनिया में बदलाव आए तो सभी लोग अपने आप में बदलाव लेकर आएंगे। तो कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब कमज़ोर कड़ी जो होगी उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन कड़ियों को जो मजबूत रूप में एक माला की तरह बनेंगे वही जाएंगे सतयुग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।